सरशमशीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। कानपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर की अपील, ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर यात्रा ना करें। या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जागरूकता के कार्यक्रम में स्कूल कॉलेजेस से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को इसके साथ जोड़ने, विभागों को इसके साथ जोड़ने और अंतर विभागीय समन्वय से जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। जन सहभागिता, जन सहयोग और जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गृह विभाग को, सड़क परिवहन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को और सड़क निर्माण से संबंधित जितनी भी एजेंसियां, इन सबको मैंने कहा कि भाई ये लोग करें कि आखिर कहां पे किन खामियों के कारण ये इस प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापक पैमाने पे जन धन की हानि हो रही है। ये सभी घटनाएं हमारे लिए अत्यंत दुखद हैं। सभी पीड़ितों के प्रति, शोक संतप्त परिजनों के प्रति केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी पूरी संवेदना है और सरकारें उन्हें हर संभव सहयोग भी करेगी, लेकिन हमें समाज को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। मैं मीडिया से भी इस बारे में अपील करूंगा कि हम इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। सड़क परिवहन से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों का अगर सभी व्यक्ति पालन करेंगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग जन और धन की हानि को रोकने में सफल होंगे।